हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चिकन स्टू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस रेसिपी को बनाना बहुत आसान है और ये बहुत जल्दी कुक भी हो जाती है। तो चलिए फिर इस डिलीशियस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे 1 kg चिकन, 7 मीडियम साइज की प्याज और 4 टमाटर। प्याज स्टू में ज़्यादा ही चाहिए होती है। अगर आप 1/2 kg चिकन स्टू बना रहे हैं तो प्याज की क्वांटिटी 4 से 5 कर दीजिएगा, और अगर 2 kg बना रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा। फिर लेंगे कुछ मसाले, 1/2 tablespoon हल्दी, 1 tablespoon नमक, नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, 1 tablespoon सॉफ्ट धनिया पाउडर, ये साबुत सॉफ्ट धनिया था जो हमने मिक्सर में पीस लिया था, 10 लाल मिर्च, इसे भी हम कट कर लेंगे, और 2 tablespoon पिसा हुआ सूखा धनिया। फिर लेंगे 3 tablespoon भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट, 50 ग्राम दही, कुछ ड्राई मसाले, 10 लौंग, 10 काली मिर्च, 1 स्पून, 1 दालचीनी का टुकड़ा, जायफल और 1 tablespoon जीरा, इसे हम मिक्सर में पीस लेंगे, इसका एक पाउडर बना लेंगे। इन सब ड्राई मसालों को पीसने के बाद कुछ इस तरह का एक पाउडर बन जाएगा। देखिए, मैंने प्याज भी चॉप हो चुकी है, टमाटर भी छोटे छोटे पीस में कट कर लिए हैं, और लाल मिर्च भी हमने काट ली है। फिर लेंगे 1/2 cup ऑयल, प्याज फ्राई करने के लिए ऑयल ज़्यादा ही यूज़ होता है। अगर आपको ऑयल ज़्यादा लगेगा तो आप स्टू रेडी होने के बाद इसे निकाल भी सकते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ इसे सॉफ्ट करना है। 4 से 5 मिनट तक हम इसे ऐसे ही स्टर करते रहेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाती। देखिए, प्याज भी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें चिकन भी ऐड कर देंगे और प्याज के साथ ही हम चिकन को मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाए तब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए, भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। तब हम इसमें 1 tablespoon गरम मसाला ऐड करेंगे जो हमने मिक्सर में पीस लिया था, और बाकी के मसाले भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसी के साथ ही लाल साबुत मिर्च भी इसमें ऐड कर देंगे, और मसालों को अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। देखिए, मसाले भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, ऑयल भी साइड से छूटने लगा है। तब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर के साथ ही इसे 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे जब तक टमाटर गल ना जाए। दो मिनट बाद जब टमाटर गल जाएंगे तब हम इसमें दही ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप पानी का यूज़ मत करिएगा क्योंकि इसमें दही और टमाटर है तो वो अपना पानी खुद छोड़ देते हैं। देखिए, सब मसालों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है, उनका कच्चापन निकल चुका है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर ढककर कुक होने के लिए रख देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। 8 मिनट के बाद गैस ऑफ कर दीजिएगा। देखिए, चिकन स्टू बिल्कुल रेडी है और सारा पानी भी सूख चुका है। और ऊपर से इस पर हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। ये चिकन स्टू बनाना बहुत आसान है, ये रेसिपी बहुत इजी है, आप बहुत इजीली कुक भी कर सकते हैं, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
और साथ ही इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का शुक्रिया।